हेलो एवरीवन, थोड़ी सी कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई थी। मुझे लग रहा है कि अब कनेक्ट हो चुका है। देखिए, जरा आवाज आ रही है बच्चों? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जरा कमेंट सेक्शन में जल्दी जवाब दे दीजिए। चलिए, ऑल राइट, बायोटेक्नोलॉजी आ गया। 1 मिनट बच्चों। ये देखिए, आज हम आपको एक चैप्टर बताने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि देखिए, जितने लोग पीछे पड़े हैं कि नीट 1 बार होगा या 2 बार होगा, उसके चक्कर में ना पड़ के आप चुपचाप सिलेबस पे फोकस करिए। जितना ज्यादा ज्यादा आप सिलेबस कवर करेंगे पहले, उतना अच्छा आपको फायदा होगा। तो कोई भी जो भी कमेंट सेक्शन में, आप केवल कमेंट सब्जेक्ट की बात करेंगे, कोई और चीज बात नहीं करेंगे। आप चुपचाप फोकस करिए पढ़ाने पे। पढ़ने पे हम पढ़ाने फोकस करते हैं। चैप्टर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए। यहाँ पे आपको रटने के साथ साथ क्या है, समझना है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे देखिए, हम कह रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कभी कभी क्या होता है कि किसी की रेपुटेशन हम लोगों के सामने खराब हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रोब्स का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि ये माइक्रोब्स जो होते हैं ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये बीमारी फैलाते हैं। बट ये बात 100% लागू नहीं है, समझो। यानी आप देखोगे ह्यूमन के वेलफेयर में, मानव के कल्याण में, आप देखोगे माइक्रोब्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। जब आप चारों ओर देखते हो तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप देखते हो तो समझ पाते हो कि क्या है ना, ऑब्जेक्ट मैटर दिख पाता है आपको। कुछ ऐसी चीजें नहीं दिखती हैं जो रेडिएशन है, और दूसरे माइक्रोब्स है। यानी जब आप चारों ओर देखते हैं, तो जब आप अपनी आंखें घुमाते हैं तो वहां पे कुछ दिखाई देती है, कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। तो लिविंग में सारी लिविंग आप नहीं देख पाते हो। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी साधारण आंखों से नहीं दिखाई देते, उनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रोब्स के अंदर बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, वायरॉइड है, लाइकेन है, प्रियॉन्स है, सब आते हैं। तो जो हमारी साधारण आंखों से नहीं दिखता, वो माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कि हम लोग माइक्रोब्स को ह्यूमन वेलफेयर में देख रहे हैं। कहाँ? अपने घरेलू स्तर पे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, यानी घरेलू स्तर से लेके औद्योगिक स्तर तक। और स्पेशली जो हम बात करें माइक्रोब्स का, सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है सीवेज ट्रीटमेंट में। आज के डेट तक ह्यूमन के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। टिल डेट ह्यूमन डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी जिससे वो हम सीवेज ट्रीटमेंट कर सके। हम लोगों को माइक्रोब्स का ही सहारा लेना पड़ता है। और कुकिंग और लाइटिंग के लिए आप देखेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस के प्रोडक्शन में। यही नहीं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, उसके छुटकारा पाने के लिए हम लोग माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। मतलब माइक्रोब्स का एप्लीकेशन घरेलू स्तर पे, औद्योगिक स्तर पे, सीवेज ट्रीटमेंट में, बायोगैस के प्रोडक्शन में, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। यही नहीं, माइक्रोब्स एंड बायो फर्टिलाइजर, यानी माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम देखने वाले हैं। इसका मतलब देखिए, माइक्रोब्स का जो इस्तेमाल है वो हाउस होल्ड में है, इंडस्ट्रियल में है, सीवेज ट्रीटमेंट में है, कि बायोगैस के प्रोडक्शन में है, कि बायो कंट्रोल में है, कि बायो फर्टिलाइजर में, कि सब में। तो आंसर क्या होगा? सब। बिसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो भी मैक्रोस्कोपिक, यानी जो साधारण आंखों से आपको दिखते हैं पौधे और एनिमल, इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जैसे हम क्या, माइक्रोब्स,
माइक्रोब्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ. अपनी पृथ्वी पे पौधे और जानवरों के अलावा जो माइक्रोब्स हैं जो अहम कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है. यू हैव स्टडीड अबाउट द डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11. क्लास 11 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने देखा मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ये सब किसमें आते हैं, कि इन इस ग्रुप में क्या आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं. डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में आते हैं? तो इसका जवाब होगा बेटा मोनेरा और प्रोटिस्टा. मोनेरा और प्रोटिस्टा, आपको पता है ना, मोनेरा हो या प्रोटिस्टा, ये दोनों ही यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोट है और जो प्रोटिस्टा होता है वो यूकैरियोट है. विच आर वन दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, याद रखिएगा, विच आर द वन दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक. बताइए भैया, मोनेरा के ज्यादातर मेंबर माइक्रोस्कोपिक होंगे, जबकि प्रोटिस्टा क्या होता है? प्रोटिस्टा में ध्यान रखना, कोई भी मेंबर अगर वो प्लांट का है या एनिमल का है या फंजाई का है, प्लांट एनिमल फंजाई इन सब में कॉमन क्या है, सब यूकैरियोटिक है, मतलब इनमें वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है. वे सारे मेंबर जो प्लांट या एनिमल या फंजाई के हैं, जो यूनिसेलुलर हैं, जो सिर्फ एक सेल के बने हुए हैं, वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं. तो चलिए, प्लांट और एनिमल तो आसानी से दिख जाते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच आर द वन दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक मेंबर केवल और केवल मोनेरा के होंगे, समझिएगा, जबकि प्रोटिस्टा में कुछ माइक्रोस्कोपिक भी है और मैक्रोस्कोपिक भी है. देखिए, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉयल वाटर एयर. बताइए, माइक्रोब्स मिट्टी में है कि पानी में कि हवा में कि हमारे बॉडी के अंदर कि हर जगह. इकोलॉजी में अपने हमने क्या पढ़ाया आपको, हमारे गट में सैकड़ों प्रजातियां हैं माइक्रोब्स की, जो प्रोबायोटिक्स के रूप में हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं. दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेयर नो अदर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड बी पॉसिबली एग्जिस्ट, सच एज डीप इनसाइड गीजर्स. ये क्या होते हैं, समुद्र की कंदराएं हो या पहाड़ों की बर्फीली चोटियां, माइक्रोब्स कभी धरती से खत्म नहीं हो सकते. याद रखिएगा, माइक्रोब्स कहां कहां पाए जाते हैं हम देख रहे हैं. हमने कहा आपसे क्या, दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स, यानी उस जगह भी पाए जा सकते हैं जहां पे जीवन के दूसरे रूप नहीं पाए जाते. जैसे ये देखिए गीजर्स, ये गीजर्स क्या होता है, थर्मल वेंट्स. आप देखोगे गर्म झरने जहां पे तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है. आप सोचिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी खौलने लगता है. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आप देखेंगे हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी जिनके पाई जाती है, वो 100 डिग्री से भी ज्यादा तापमान में सर्वाइव करते हैं. डीप इन द सॉयल, चाहे मिट्टी की गहराई में या बर्फ के अंदर, चाहे जितने मीटर 100 मीटर अंदर खोद के अगर एक मुट्ठी बर्फ निकालें तो उसमें भी आप देखेंगे माइक्रोब्स होंगे. इकोलॉजी में आपको बताया भी है हमने कि जो भी हमारी धरती है, धरती पे हमने कहा अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल. यहाँ पे सूरज की किरणें नहीं जाती, यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है. बताया आपको यहाँ पे कभी बहुत हजारों साल पहले इवोल्यूशन के दौरान बहुत ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे माइक्रोब्स रहते थे जो दूसरे को पनपने नहीं देते थे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देते थे. लेकिन जब वो बर्फ यहाँ पे जमा तो ये सब क्या हो गए, फ्रीज हो गए. देखो धरती बनी तो तापमान बहुत ज्यादा था, बाद में देखिए वायुमंडल बना, रोटेशन रिवोल्यूशन, ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, दिन रात मौसम बनने लगे. इस परिवर्तन के दौरान यहाँ बर्फ जमा हो गया, उस बर्फ में खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमे हुए हैं. जब ये बर्फ पिघलेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होंगे और पूरे मानव की आबादी को इन्फेक्ट कर देंगे. वो आजकल पूरे विश्व के लिए एक डरावना कॉन्सेप्ट है, थॉइंग जिसको बताते हैं. थॉइंग, थॉइंग वह प्रक्रिया है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बर्फ पिघलेगा और पिघल के क्या है, वो जब पानी बनेगा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो माइक्रोब्स भी प्रोपोगेट करने लगेंगे और वो बीमारी फैला देंगे. तो कहना ये चाहते हैं, सोचो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो बर्फ जमा है
वो हजारों साल पहले बना है, हजारों साल पहले जमे हुए बर्फ में, अगर हजार मीटर अंदर खोद के अगर हम एक मुट्ठी बर्फ निकालें तो उस एक मुट्ठी बर्फ की कीमत तुम क्या जानो बच्चों, उसमें भी हजारों की तादाद में माइक्रोब्स होंगे। तो तुम सोच सकते हो पहाड़ों की बर्फीली चोटियां, समुद्र की कदराएं, या हो रेगिस्तान, या हो सदियों पहले जमी हुई बर्फ के नीचे माइक्रोब्स कभी खत्म नहीं हो सकते। हाईली एसिडिक एनवायरमेंट इनमें भी पाए जाते हैं। जरा बताइए हाईली एसिडिक एनवायरमेंट में कौन होते हैं भैया? थर्मो एसिडोफिलस। हाईली एसिडिक एनवायरमेंट में कौन होंगे? थर्मो एसिडोफिलस। ये किसके अंदर आते हैं? आर्क बैक्टीरिया। अब देखिए, अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी माइक्रोब्स क्या क्या है। तो हम क्या, माइक्रोब्स बहुत डायवर्स हैं, स्पेसिफिक नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक है, ये डायवर्स है। क्या हो सकता है? प्रोटोजोआ हो सकता है, और क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल प्लांट वायरसेस हो सकते हैं, वायरॉइड हो सकते हैं, ये देखिए प्रियॉन्स हो सकते हैं। समझ रहे हैं? प्रियॉन्स क्या होते हैं भैया? देखो, जब प्रोटीन होता है तो प्रोटीन समझो एक धागा होता है, और इस धागे में नॉर्मल फोल्डिंग होती है, लेकिन अगर इस धागे में एबनॉर्मल फोल्डिंग हो जाए तो उसी को प्रियॉन्स बोलते हैं। अगर हम तुमसे कहें कि प्रियॉन्स क्या है तो तुम कहोगे सर जी एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जो एबनॉर्मली फोल्डेड है उसको प्रियॉन्स बोलते हैं, याद रखिएगा। ये क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट प्रोटीनेसियस इंफेक्शियस पार्टिकल, याद रखिएगा। आपने पढ़ा है कहां? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। जो भी प्रियॉन्स होते हैं ये बीमारी काज करते हैं, मैड काउ डिजीज, याद रखिएगा। एक और बीमारी बता दूं, स्कार्पी डिजीज किसमें काज करेंगे भैया? भेड़ में, शिप। और याद रखिएगा कुरु द लाफिंग डेथ। एक और बीमारी बताइए, बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफलोपैथी, मैड काउ डिजीज, स्कार्पी डिजीज, ये सब प्रियॉन्स कॉज करते हैं। यानी माइक्रोब से कौन आते हैं? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। सब माइक्रोब्स के डायग्राम भी अभी देखेंगे। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन अ न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनी। इन बैक्टीरिया और फंजाई जैसे माइक्रोब्स को हम कॉलोनी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडिया में ये कॉलोनी में ग्रो करते हैं। दैट कैन बी सीन विद नेकेड आई। बताइए, बैक्टीरिया और फंजाई के कॉलोनी को हम नेकेड आई से देख सकते हैं? कहोगे हाँ देख सकते हैं। सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडी ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम बैक्टीरिया और फंजाई के कल्चर करके उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं। देखिए अब एक डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। ये जो ए डायग्राम है ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। ये देखिए, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये ए डायग्राम, देखिए ध्यान से समझिए। ये जो ए डायग्राम है बेटा, इसको जरा महसूस करिए आप। ये रॉड शेप डायग्राम है। ए क्या है? रॉड शेप। रॉड शेप को जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, क्या बोलते हैं रॉड शेप? ये रॉड शेप को कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, क्या बोलते हैं? चलिए ऑल इन वन, बेसिलस, ऋत्विक, बेसिलस, अजय कुमार, बेसिलस, वेरी गुड। ये इसको हम बोलते हैं बेसिलस। रॉड शेप को क्या बोलते हैं बेटा? बेसिलस, रॉड शेप, याद रखिएगा। चलिए, ये जो मैग्नीफाइड है वो कितना है? 1500 टाइम्स। कितना टाइम मैग्नीफाइड है? 1500 टाइम मैग्नीफाइड है। चलिए दूसरा डायग्राम जरा ध्यान से देखिए, स्फेरिकल है, स्फेरिकल को कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, क्या बोलते हैं? जवाब रुक के आ रहे हैं लोगों के। आरती, बेसिलस, मुस्कान, बेसिलस, अजय कुमार, बेसिलस, आरजू, बेसिलस, महेंद्र, बेसिलस, ऑल इन वन, कोकस, मुस्कान, कोकस, अजय कुमार, कोकस, ऋत्विक, कोकस, वेरी गुड। ये देखिए, ये कोकस है, कोकस, स्फेरिकल कोकस। यहाँ पे ये जो बेसिलस रॉड शेप है इसको मैग्निफाई किया है 50,000 टाइम। और ये देखिए,
ये जो है 50,000 टाइम ये रॉड से मैग्निफाइड है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये रॉड से बैक्टीरिया, ये इसका फ्लैजला है, फ्लैजला। तो देखिए मेरा एक सवाल है, ये जो फ्लैजला है वो प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? यदि अगर हम कहें आपसे जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजला है और जो यूकैरियोटिक फ्लैजला है दोनों में क्या अंतर है, जरा देखिए यहां पे एक क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि अगर आपसे कहें कि जो फ्लैजला है, फ्लैजला फ्लैजला ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट फ्लैजला दोनों में पाया जाता है। देखिए जवाब दिया है अंकित चौहान ने, कंपोजिशन। बेटा कंपोजिशन के साथ साथ ओरिएंटेशन में भी अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजला में अगर हम कहें प्रोकैरियोटिक फ्लैजला, ये इसका जो कंपोजिशन होता है वो फ्लैजिलीन प्रोटीन होता है, फ्लैजिलीन प्रोटीन, फ्लैजिलीन प्रोटीन, फ्लैजिलीन प्रोटीन। जो यूकैरियोटिक फ्लैजला है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। उसके बाद हम अगर कहें आपसे कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजला है इसमें आप देखोगे 9+0 अरेंजमेंट होता है, 9+0 अरेंजमेंट, और यूकैरियोटिक में आप देखोगे 9+2 अरेंजमेंट होता है। याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजला एक दूसरे से डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन एज वेल एज कंपोजिशन के साथ साथ आप देखेंगे अरेंजमेंट। तो एक बार क्वेश्चन आया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजला में जो डिफरेंस है वो कंपोजिशन का कि अरेंजमेंट का, तो आप कहोगे दोनों का। याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक फ्लैजला में जो डिफरेंस है वो कंपोजिशन के साथ साथ अरेंजमेंट दोनों का है, इस बात को ध्यान दें। देखिए जरा बोर्ड विजिबल है क्या? चलिए इनका कंपोजिशन और अरेंजमेंट दोनों ही डिफर है। चलिए जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंपोजिशन एंड अरेंजमेंट जरा सब लोग टाइप करिए, कंपोजिशन एंड अरेंजमेंट सब लोग टाइप करिए, कंपोजिशन एंड अरेंजमेंट टाइप करिए ताकि ये बातें दिमाग में बैठे आपके। चलिए मोस्ट ऑफ द लोग टाइप कर चुके हैं कंपोजिशन एंड अरेंजमेंट। चलिए कृष्णा, सेजल, अन्नू, राजेश, अभिषेक, ऋत्विक, अंजलि, कुंवर, अंकिता, चलिए हमें लगता है सबको समझ में आ गया। यानी फ्लैजला प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है, जो प्रोकैरियोट का फ्लैजला है वो फ्लैजिलीन प्रोटीन का है, उनमें जो अरेंजमेंट है वो 9+0 है, याद रखिएगा। और यूकैरियोट में जो फ्लैजला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है और उसमें जो अरेंजमेंट है वो 9+2 है। एक क्वेश्चन जो सबका गलत हो सकता था वो आपने कंट्रोल कर लिया। तो ये देख लिया आपने फ्लैजला, अब
अब इसको जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए ये बैक्टेरियोफेज है, याद रखिएगा ये डायग्राम बहुत ध्यान से समझिए, पिछले 4 साल से डायग्राम नहीं आ रहा है, यानी अगर दे दिया तो परेशान हो जाएंगे लोग, और डायग्राम के जब क्वेश्चन आएंगे तो गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि डायग्राम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जो नए बच्चे हैं ना, वो ध्यान नहीं दे रहे डायग्राम पे, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। ये देखिए इसको बोलते हैं प्रॉन्स, जरा ध्यान से देखिए, ये बैक्टीरियोफेज में ये देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6, यानी टेल कितने बेटा 6, और टेल जहां से निकलते हैं उसको बोलते हैं प्लेट। भैया जरा समझो, टेल जहां पे नीचे है टिका हुआ, ये देखो बेटा ये टेल है, ये टेल है उसका, और ये जो डिस्क लाइक देख रहे हो ये प्लेट है, उस प्लेट के साइड से प्रॉन्स निकले हैं प्रॉन्स, और प्लेट के नीचे निकले हैं क्या पिंस। तो बताओ बच्चों, जो प्लेट है ऊपर किसको होल्ड करता है, कहोगे टेल को, नीचे किसको होल्ड करता है प्रॉन्स और पिंस, दिमाग में बैठाओ। अच्छा रुको, हम डायग्राम बड़ा कर दे रहे हैं बच्चों, घबराओ मत, देखो डायग्राम हम बड़ा कर देंगे, खूब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए टेक्नोलॉजी का पूरा भरपूर उपयोग करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए इसको पहचानिए बच्चों, पहचानो इसको। हाँ बिल्कुल, अभी सारी काउंटिंग करा दे रहे हैं, देखिए डायग्राम, देखिए मुझे लग रहा है कि सबको दिख रहा होगा। चलो ये देखो, सबसे ये देखो, यहां पे काउंट अगर करते हो आप कि कितने पिंस हैं कितने प्रॉन्स हैं, आपके आंखों के सामने है, आप समझ रहे हैं जितने होंगे क्या है प्रॉन्स उतने ही नीचे पिंस हैं, और प्लेट कितना है 1, प्लेट के ऊपर क्या है, प्लेट के ऊपर क्या है टेल, प्लेट के नीचे क्या है प्रॉन्स और पिंस, प्रॉन्स और पिंस। अच्छा बताओ प्रॉन्स और पिंस में कौन लार्जर है प्रॉन्स, कौन छोटे है पिंस, बिल्कुल ध्यान से समझो। 720 में 720 लाना है, बायो में 360 में 360 लाना, कसम खा लो। देखो प्लेट के नीचे प्रॉन्स की पिंस की दोनों, कौन छोटे भैया पिंस, कौन बड़े हैं प्रॉन्स। ये देखो टेल के ऊपर क्या है कॉलर, कॉलर के ऊपर क्या है हेड, जो हेड होता है वो क्या है हेक्सागोनल प्रिज्म लाइक, हेक्सागोनल प्रिज्म लाइक, हेक्सागोनल प्रिज्म लाइक। अच्छा सुनो, इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये जो डायग्राम है ये वायरस है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है, समझना। पहले ऐसा मानते थे कि इसी के कारण गंगा का पानी स्वच्छ रहता है, बट ये गलत कॉन्सेप्ट है। द प्यूरिटी ऑफ गंगा वाटर इज नॉट ड्यू टू बैक्टीरिया, इज नॉट ड्यू टू दिस बैक्टीरियोफेज, दैट इज ड्यू टू अ बैक्टीरिया जिसका नाम है बोर्डेलो विब्रियो बैक्टीरियो होरस, याद रखिएगा। पहले ऐसे मानते थे कि इसी के कारण गंगा गंगा वाटर जो है वो प्योर है, पहले मानते थे, बट ये गलत कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपसे पूछता है प्यूरिटी ऑफ गंगा वाटर, प्यूरिटी ऑफ गंगा वाटर, जो गंगा का जल है वो प्योर है, नॉट ड्यू टू दिस बैक्टीरियोफेज, दिस इज ड्यू टू अ बैक्टीरिया, दिस इज ड्यू टू अ बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम हर बच्चे को याद होना चाहिए बोर्डेलो विब्रियो, विब्रियो बैक्टेरियो, बैक्टेरियो वोरस, VORUS, बोर्डेलो विब्रियो बैक्टेरियो वोरस। ऐसे ध्यान रखना। अच्छा देखो, इस बैक्टीरियोफेज को जिसने डिस्कवर किया था, ऋत्विक सर इसमें कॉलर गलत मेंशन है, शीत होगा और शीत के ऊपर कॉलर। बेटा देखो, एग्जामिनर के पास जो एनसीईआरटी का डायग्राम होगा वो स्कैन करके दे देगा, उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वो लेके दो डायग्राम मिलाएगा,
समझ रहे हैं, जो पीडीएफ खुल रहा है वो पीडीएफ से करेगा कॉपी, करेगा कट और कर देगा क्या पेस्ट, समझ रहे हैं। वो जितने डिफरेंस वाले हैं वो बाद में एक लेक्चर लेके दोनों ही आपको करना है, उसमें किसी को ना गलत करोगे ना सही करोगे। ना तो पेपर देख लो एएमयू का, मोरल्स और ट्रफल्स होता है एडिबल फंगस, ठीक है। पेपर में एनसीईआरटी में छपा था मोरल्स एंड बफल्स, तो उन्होंने पेपर में भी पूछ दिया मोरल्स और बफल्स। हम लोगों को क्या है, टाइप स्टडी करना है, जो दिया हुआ है वही उठा के लगाना है। दोनों हम लेके किसी दिन जितने डिफरेंस है वो सारे डिफरेंस एक साथ आपको आंखों के सामने दे देंगे। अभी आपको जो चीजें दिमाग में भरनी है और जो हमारे सामने पीडीएफ खुल के आ रहा है उसको अच्छे से कर ली, ठीक। तो आप देखिए इसको डिस्कवरी जो है बैक्टीरियोफेज की, जिस वैज्ञानिक ने करी थी उनका नाम है ट्वाट एंड डी हेरेले। ट्वाट एंड डी हेरेले, कभी एक लगाना हो तो डी हेरेले लगाना, क्योंकि डी हेरेले ने इसकी डिटेल स्टडी करी। कौन सी स्टडी करी, डिटेल स्टडी, समझ लो। तो आपके सामने ये बैक्टीरियोफेज था। अगला डायग्राम जो आने वाला है ये देखिए, देखिए हम लोग देखो जितने भी डायग्राम पढ़ते हैं वो सारा कार्टून होता है, फ्रॉम कार्टून वी कांट ड्रा एनी कंक्लूजन। हम लोग जितने भी डायग्राम पढ़ते हैं वो सब कार्टून होता है और कार्टून से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। बट ये लूडो का डायस जैसा लग रहा है, जरा ध्यान से देखो इसको, ये एक वायरस है आप देखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एडीनो वायरस। इसको कौन सा वायरस बोलते हैं बच्चों, एडीनो वायरस, ध्यान से समझना, ये एडीनो वायरस है। जो एडीनो वायरस होता है ये रेस्पायरेटरी डिजीज काज करता है, रेस्पायरेटरी इंफेक्शन काज करता है। ये एक वायरस है, ये जो डायग्राम है, डायग्राम ध्यान से देखें, ये लूडो का डायस नजर आता है लेकिन ये जो इंफेक्शन काज करता है वो रेस्पायरेटरी डिजीज काज करता है, रेस्पायरेटरी डिजीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स जरा बताइए एडीनो वायरस कौन सा डिजीज काज करता है, सब लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करिए एडीनो वायरस रेस्पिरेटरी डिजीज, टाइप करिए कमेंट सेक्शन में एडीनो वायरस रेस्पिरेटरी डिजीज, देख रहा हूं मैं। देखिए ये एडीनो वायरस है, ये क्या काज करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज, वेरी गुड। पहला जवाब आया अंजलि, अन्नू, शबा परवीन, ऋत्विक, आरती, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन या रेस्पिरेटरी डिजीज, कृष्णा राजपूत, अजय कुमार, अंकिता तिवारी, राजेश मोंडल, अनुज कुशवाहा, अनुज भाई आ गए, कुंवर गुप्ता, वासु कश्यप, मुस्कान, गुड। तो देखिए एडीनो वायरस कौन सी बीमारी काज करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज। चलिए अगला जो टाइप स्टडी आपको मारनी है ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, पहचान लो, कॉम्पैक्ट रॉड शेप वायरस है ये, इसी को बोलते हैं टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। ये डायग्राम है, ये डंडे की जैसा है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। इसका शेप कैसा है, रॉड के जैसा है, दिख ही रहा है रॉड के जैसा, तो ये रॉड शेप वायरस है। ये कॉलोनी जरा ध्यान से देखिए, ये पहली जो है बैक्टेरियल कॉलोनी है, ये देखो बैक्टेरियल कॉलोनी बिल्कुल साबुनदाने जैसी दिख रही, और ये देखो ऐसा लगता है किसी ने अपने थाली में चांद उतार लिया है। ये चांद नहीं है, ये फंगल कॉलोनी है। ये कौन सी कॉलोनी है बेटा, फंगल कॉलोनी, ऐसे ध्यान रखना, ये बैक्टेरियल कॉलोनी है, ये कौन सी कॉलोनी है, फंगल कॉलोनी। तो आपने ये स्टडी कर लिया, अब आइए अब हम आपको यहां पे बात करते हैं। देखिए कहते हैं ना कभी कभी फर्जी नाम खराब हो जाता है, जैसे माइक्रोब्स का, माइक्रोब्स का नाम सुनते सबके दिमाग में यह आता है कि माइक्रोब बीमारी फैलाते हैं, माइक्रोब बीमारी फैलाते हैं। हालांकि चैप्टर 8 में जब हमने ड्रग डिजीज एंड ह्यूमन हेल्थ आपको पढ़ाया तो उसमें बताया कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो पैथोजन के जैसे होते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि माइक्रोब डिजीज नहीं कॉज करते हैं, कुछ ही माइक्रोब्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, बहुत ऐसे हैं जो हमारे लिए लाभकारी भी हैं। वो क्या कह रहा है जरा देखिए, कह रहा है इन चैप्टर 8 यू हैव स्टडीड, यानी आठवें अध्याय में आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है आपने,
In chapter 8, you have read the microbes cause a large number of diseases in human beings. Human में ढेर सारी बीमारियां काज करते हैं. They also cause disease in animals and plants. Plants और animals दोनों में disease काज कर सकते हैं. But this should not make you think. But इसका मतलब ये मत सोचना तुम कि all microbes are harmful. Get it? All microbes are harmful नहीं होते. बता all microbes are harmful. सही बात गलत बात? गलत बात. True की false? False. Several microbes are useful to man in diverse way. बहुत ऐसे microbes हैं जो human के लिए useful हैं. Some of the most important contributions of microbes are human welfare discussed in the chapters. मानव कल्याण में जिन microbes का अहम role है, उन microbes के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहला topic है microbes in household product. Microbes in household product. इसमें आप देखिए ध्यान से. देखिए हम ये कह रहे हैं आपसे, इस बात को समझ ले जरा, इस बात को सारे लोग समझ ले. यहां कह रहा है यू वुड बी सरप्राइज, तुम जान के आश्चर्यचकित हो जाओगे दैट वी यूज माइक्रोब्स आर प्रोडक्ट डेराइव फ्रॉम देम एवरी डे. यानी हम लोग डेली माइक्रोब्स या माइक्रोब से बनने वाले प्रोडक्ट को हम लोग डेली अपने घर में इस्तेमाल करते हैं. जैसे अ कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क यानी दूध से दही बनाते हैं, बिना माइक्रोब्स के नहीं बन पाएगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली नोन एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट टू कर्ड. कह रहा है लैक्टोबैसिलस के अलावा और भी कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो क्या करती हैं, दूध से दही बनाने में हेल्प करती हैं. ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्सली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन. पार्सली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन. अब जरा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लें, आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझ लें. देखिए हमने कहा आपसे क्या कि अगर कहें हम आपसे कि जरा समझिए, हमने कहा जो मिल्क है, मिल्क हमने कहा जो मिल्क है, हमने कहा जो मिल्क है, मिल्क मिल्क इस मिल्क में देखिए शुगर भी है और प्रोटीन भी है. जो मिल्क शुगर है उसको हम लोग, जो मिल्क शुगर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए. मिल्क शुगर को क्या बोलते हैं? वेरी गुड ऋत्विक, लैक्टोज. मिल्क शुगर का नाम लैक्टोज है. लैक्टोज सही जवाब आया. लैक्टोज अंजलि, लैक्टोज ऑल इन वन. लैक्टोज दीपराज सिंह चौहान, लैक्टोज शबा प्रवीण, लैक्टोज आशिफ खान, लैक्टोज चलिए अजय कुमार, लैक्टोज हर्षित तिवारी, लैक्टोज जल्दी जल्दी कृष्णा राजपूत, लैक्टोज वासु कश्यप, लैक्टोज फटाफट फटाफट जवाब दीजिए. लैक्टोज आरती कटियार, लैक्टोज अंकित चौहान, लैक्टोज मुस्कान, लैक्टोज सूरज शर्मा, लैक्टोज. देखिए जो भी मिल्क प्रोटीन है उस मिल्क प्रोटीन को हम केसीन बोलते हैं. केसीन सबसे पहले क्या होता है, जो मिल्क शुगर लैक्टोज है इस पे बैक्टीरिया काम करती है. जिस बैक्टीरिया को हम लैब बोलते हैं, लैब. ये देखिए लैक्टोज पे एक बैक्टीरिया काम करती है जिसका नाम है लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये जो लैक्टोज है इस लैक्टोज में फर्मेंटेशन करेगी. फर्मेंटेशन एक घटना घटेगी जिसको हम फर्मेंटेशन बोलेंगे. और फर्मेंटेशन के बाद ये लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है ये एसिड में बदल जाता है. लैक्टोज है तो बन जाएगा लैक्टिक एसिड. जो लैक्टोज है बदल जाएगा एसिड में लैक्टिक एसिड, समझिए. और ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो मिल्क प्रोटीन होता है. यानी जो लैक्टिक एसिड होता है वो किस पे काम करेगा, केसीन पे. यानी ये देखिए ये जो केसीन है इस केसीन के ऊपर काम करेगा कौन, ये लैक्टिक एसिड. यानी जो लैक्टिक एसिड बना है ये लैक्टिक एसिड किस पे काम करेगा, मिल्क प्रोटीन केसीन पे. और इस मिल्क प्रोटीन केसीन को जो एसिड होता है एक घटना आगे घटेगी जिसको बोलते हैं डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन
डीनेचुरेशन, और डीनेचुरेशन प्रोसेस से जो मिल्क प्रोटीन कैसीन होता है ये डिजनरेट कर जाएगा। इसी को बोलते हैं डीनेचुरेटेड कैसीन या डीनेचुरेटेड मिल्क प्रोटीन। क्या आप जानते हैं इस डीनेचुरेटेड मिल्क प्रोटीन कैसीन को ही हम दही कहते हैं, कर्ड, 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 कर्ड से मिलता हुआ, मिलता जुलता एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं योगर्ट, योगर्ट। ऐसे याद रखना, योगर्ट क्या होता है, जैसे हमने कहा ये देखिए दूध से दही बनाया आपके आंखों के सामने, दूध से दही बनाया हमने आपके आंखों के सामने, दूध से दही बनाया हमने कहा। जो भी मिल्क है आप इस बात को गौर फरमाएं, जो भी मिल्क है ये देखिए मिल्क से हमने क्या बना दिया, देखिए मिल्क से हमने क्या बना दिया, ये कर्ड। तो इसे दो प्रोसेस है, पहले फर्मेंटेशन हुआ है फिर डीनेचुरेशन हुआ है। फर्मेंटेशन का सबस्ट्रेट क्या है, लैक्टोज। फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का सबस्ट्रेट क्या है, केसीन। इसका प्रोडक्ट क्या है डीनेचुरेशन का, डीनेचुरेटेड मिल्क प्रोटीन, इसी को बोलते हैं हम लोग कर्ड। यानी दूध से दही बनते समय दो घटनाएं घटी हैं, जो पहले घटा है वो फर्मेंटेशन है फिर डीनेचुरेशन है। अगर हम इसी मिल्क से योगर्ट बनाना है तो हम केवल और केवल फर्मेंटेशन कराते हैं, अगर हम केवल फर्मेंटेशन कराएं बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके तो योगर्ट बनता है। जो योगर्ट होता है वो दही के ही जैसा होता है, इसकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। वह हाल अपने सिलेबस में तो दही है, ये जो दही होता है डेली शाम को अगर 5 बजे के आसपास अगर आपने अपने बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग अगर दही लेना शुरू किया तो आपकी बॉडी में कभी भी खून की कमी नहीं होगी, आपको कभी भी एनीमिया नहीं होगी। और आपको याद रखिएगा, आपके बॉडी में कोई पैथोजन अगर चला भी गया तो ये जो कर्ड होती है इसमें प्रॉपर्टी होती है उन पैथोजन को वो चेक करेगी, चेक करने का मतलब मार देगी, यानी आपके बॉडी में इंफेक्शन से रोकेगा। और कहीं ना कहीं ये केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर्स को एनहांस करता है ताकि जो भी विटामिन बी12 है उस विटामिन बी12 का जो एब्जॉर्प्शन हो सके, एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में बढ़ा देता है। क्या आप जानते हैं विटामिन बी12 की कमी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, आई एम वेटिंग, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, विटामिन बी12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। हो गया, ले जाएंगी अपने आपको, अरे आप खाए आपको रोटी खाए नहीं है सब, हम कहा है वही अंदर तारे रख दे है जाना पहुंचा ये हाँ ये खा पाएंगे मटर निकल क्या हुआ मटर बाद में करिएगा, ये लेते जाइए तो कल छिल दीजिएगा, अभी छिलने का मन है, हम पढ़ाए जाके कल, अभी अभी छिलने का मन है आपको, छिल दें कि जा ही रहे, आप सोच लीजिए हम पढ़ा रहे हैं जल्दी उतर गए,
चलो सब लोगों ने जवाब दे दिया भाई। जो सही जवाब है वासु ने दिया है, और ये देखो डिमेंशिया बता रहे हैं, बेवकूफ कृष्णा, बहुत मारेंगे। परनीशियस एनीमिया, बता विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है? परनीशियस एनीमिया, डिमेंशिया नहीं। तो ये देखा आपने, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो दूध को दही में कन्वर्ट करती है, फर्मेंटेशन और डिनेचुरेशन दोनों होता है। पहले जो होता है फर्मेंटेशन होता है, फिर डिनेचुरेशन होता है, ठीक। ड्यूरिंग द ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड, कौन सी एसिड भैया? लैक्टिक एसिड, दैट कोएगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट। इसके लिए हमने क्या बोला था? डिनेचुरेशन। बता डिनेचुरेशन इन्वॉल्व कोएगुलेशन की पार्शियल डाइजेशन की, दोनों तो दोनों। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम या स्टार्टर। देखते हैं आप, दूध गर्म करके जब हमको दही बनाना होता है तो उसमें जावन डालते हैं, तो जावन होता है क्या होता है? इनोकुलम या स्टार्टर होता है। उसमें क्या होता है? खूब ढेर सारी लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया होती है जो जाकर मल्टीप्लाई करती है, विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई, सुटेबल टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई करेगी। ठंडियों में दही नहीं बनता है, थोड़ा सा गर्म दिखा देते हैं उसको, गर्म कर देते हैं हल्का सा, ठीक है सर? पूरा स्ट्रेट, अच्छा 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 अच्छा, प्लीज कैमरा सही करो। ओके ओके ओके, चलिए अब सही आ रहा होगा। जो भी स्टार्टर होता है, इनोकुलम होता है, उसमें मिलियंस ऑफ लैब होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आपको क्या बताया हमने कि ऑल्सो इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग विटामिन बी ट्वेल्व। ये विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बढ़ा देता है। इन आर स्टमक टू, अपने स्टमक में भी द लैब प्ले अ बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को रोक देते हैं। इन डफ, देखो हम लोग डोसा बनाने के लिए, इडली इडली बनाने के लिए जो आटा या मैदा, शबा परवीन सर प्लीज एक्सप्लेन, क्या बेटा? सर परनीशियस एनीमिया और सिर्फ एनीमिया में डिफरेंस है। हाँ बेटा, परनीशियस एनीमिया में क्या होता है? विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से जो आरबीसी का मैच्यूरेशन होता है वो नहीं हो पाता। जो नॉर्मल एनीमिया, एनीमिया कई तरह की होती है, माइक्रोसिटिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये एनीमिया वो एनीमिया, तो एनीमिया एक मतलब नॉर्मल टर्म है, बट उस एनीमिया के अंदर माइक्रोसिटिक एनीमिया आयरन की कमी से होता है, विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है। एक केवल एनीमिया पे ही बना के वीडियो डाल दूंगा कि एनीमिया कितने तरह की होती है, ठीक है? तो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से जो एनीमिया होती है वो परनीशियस एनीमिया, इससे आरबीसी का मैच्यूरेशन नहीं हो पाता और आरबीसी का जो साइज होता है वो बड़ा रह जाता है, याद रखिएगा। जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो प्रभावित करती है। देखिए द डफ, यानी जो भी हम लोग इडली डोसा बनाने के लिए आटा गूंथ के रख देते हैं, वो फूल जाता है, फर्मेंटेशन होता है, कौन? बैक्टीरिया। वहां बैक्टीरिया कहां से आती है? एनवायरमेंट से। वो आप देखोगे वहां पे छेद होता है, पफा पफी अरेंज होता है, वहां पे गैस निकलती है फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन से जो गैस निकलती है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड।
CO2 gas. The dough which is used for making foods such as dosa and idli is also fermented by bacteria. The puffed up appearance of dough is due to the production of CO2 gas. बताइए जो भी dough का जो भी इडली डोसा बनाने के लिए हमने गूंथ के रखा आटा वो फूल जाता है ड्यू टू किस गैस के निकलने से CO2. कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2? तो जवाब होगा फर्मेंटेशन. क्या जवाब हो बेटा? फर्मेंटेशन. वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? तुम सोचते हो बैक्टीरिया कहां से आती है? तो जवाब होगा इसका एनवायरनमेंट, यानी ये जो बैक्टीरिया आती है एनवायरनमेंट. बताइए बैक्टीरिया कहां से आती है? एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट से आती है, समझिए. सिमिलरली द डफ विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट. सबसे ज्यादा हम लोग सैक्रोमाइसिस सेरेमिसी यूज करते हैं, चाहे ड्रिंक बनाने में या हम लोग क्या है जो प्राकृतिक तौर पर ड्रिंक पाई जाती है जैसे ताड़ी, समझ लीजिए, एल्कोहल बनाने में, ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में जो यूज करते हैं हम लोग बेकर्स ईस्ट. याद रखिएगा किसको बोलते हैं बेटा? बेकर्स ईस्ट. तो आप कहोगे सैक्रोमाइसिस सेरेमिसी, सैक्रोमाइसिस जिसको ईस्ट बोलते हैं, नॉन माइसिलियल फंजाई, ए माइसिलियल फंजाई बोलते हैं. अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड्स आर आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोब्स. टोडी साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा पीते हैं ताड़ी, ये जो ताड़ के पेड़ से निकलता है ताड़ी. अ ट्रेडिशनल ड्रिंक एक परंपरागत पेय पदार्थ है. सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटेशन सैप फ्रॉम पाम, यानी पाम क्या फर्मेंटेड सैप होता है. और नहीं, देखिए ध्यान से, अपने चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में या चले जाइए चाइना में या अपने यहां भी कुछ लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेड फिश मछलियों का इस्तेमाल या सोयाबीन का इस्तेमाल या बैम्बू शूट्स जो बांस की ताजा निकली हुई पोपले होती है. तो बताइए माइक्रोब्स का यूज करेंगे फर्मेंटेशन कराने में फिश की, सोयाबीन की, बैम्बू शूट्स की, ऑल ऑल. याद रखिएगा चीज, देखिए हम लोग क्या करते हैं, दूध से पनीर बनाते हैं और जब पनीर में फ्लेवर देते हैं तो चीज हो जाता है. याद रखिएगा हमने कहा, हमने क्या कहा आपसे कि मिल्क से हम पनीर बनाएंगे, अब पनीर में जब फ्लेवर देंगे राइपनिंग प्रोसेस से हम चीज बनाते हैं. याद रखिएगा पनीर और चीज में जो चीज होता है उसका ज्यादा ज्यादा लजीज होता है, उसका जो फ्लेवर होता है वो अलग होता है. द प्रोसेस बाय विच वी आर गोइंग टू गिव अ फ्लेवर राइपनिंग, डिटेल में घुसने की जरूरत ही नहीं है. चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड. कहेगा उस पुराने आइटम का नाम बताइए जिसको बनाने में माइक्रोब यूज करते थे. तो आप बोलोगे क्या? चीज. चीज पुराना फूड आइटम है जिसको बनाने में माइक्रोब यूज करते थे. डिफरेंट वराइटी ऑफ चीज आर नोन बाई देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट. बताइए जो भी चीज की डिफरेंट वैरायटी है वो किस आधार पे है? उसके टेक्सचर के आधार पे, उसके फ्लेवर के आधार पे, उसके टेस्ट के आधार पे. तो तीनों, आई मीन द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच वी आर गोइंग टू यूज माइक्रोब्स क्या है? चीज है. और चीज का जो क्लासिफिकेशन के आधार, टेक्सचर है, फ्लेवर है और टेस्ट है. द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब यूज, यानी जो भी टेक्सचर है, फ्लेवर है और टेस्ट है चीज में वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रोब यूज, कि कौन से माइक्रोब का यूज आपने किया है उस अकॉर्डिंग जो चीज है वो होगा. फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज होल इन स्विस चीज इज ड्यू टू अ प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस. यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है प्रोपियानी बैक्टेरियम शर्मानी. याद रखिएगा कौन सी बैक्टीरिया है? प्रोपियानी बैक्टेरियम शर्मानी. बच्चों यहां पे एक बात समझो, देखो हम ये कह रहे हैं आपसे, हम ये कह रहे हैं, जरा ये यहां पे एक चीज हम आपको लिखे, जरा ध्यान से समझ लो. देखो हमने कहा कि ये देखिए दूध है, मिल्क. जब हम पैदा हुए थे तो मां का दूध पीते थे, उसके बाद गाय भैंस का दूध पीने लगे. 6 महीने तक तो अनाज खाया नहीं किसी बच्चे ने. यानी जो दूध ही है हमारा मानसिक शक्ति और हमारा शारीरिक शक्ति, यानी हमारा मानसिक विकास, हमारा शारीरिक विकास सबके लिए जिम्मेदार होता है. अगर दूध को दूध के फॉर्म में ले, दूध से आपने देखा हम कर्ड भी बना सकते हैं, दही. आपने देखा हम केवल बैक्टीरिया का यूज करके हम योगर्ट भी बना सकते हैं. और आपने देखा इसी मिल्क से हम
पनीर बनाते हैं, पनीर। और जब पनीर में एक प्रोसेस होता है उसमें फ्लेवर देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए, फ्लेवर, इसको हम बोलते हैं राइपनिंग, 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 राइपनिंग यूज करने, राइपनिंग कराने के लिए हम या तो बैक्टीरिया यूज करते हैं या फंजाई यूज करते हैं। अगर हमने बैक्टीरिया यूज किया तो इसका एक एग्जांपल, एक बैक्टीरिया आपको प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी दिया हुआ है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी है, याद रखिएगा, ये एक ऐसी बैक्टीरिया है जिसका इस्तेमाल करके हम पनीर से जब राइपनिंग करते हैं तो चीज बनाते हैं, और जो चीज बनाते हैं उसको हम स्विस चीज बोलते हैं, स्विस चीज, स्विस चीज। स्विस चीज में बड़े बड़े होल्स होते हैं। द लार्ज होल इन द स्विस चीज इज ड्यू टू वॉट? द लार्ज होल इन द स्विस चीज इज ड्यू टू अ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, दैट इज CO2 गैस। यहाँ पे एक बैक्टीरिया यूज किया है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। और दूसरी देखो, अगर राइपनिंग के लिए तुमने फंगस यूज किया, इसका नाम है पेनिसिलियम, समझो हम तुमसे कहें पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, रॉकफोर्टाई, याद रखिएगा। तो हम यहां पे जो चीज बनाते हैं वो स्विस चीज नहीं होगा, उसको बोलते हैं रॉकफोर्ट चीज, रॉकफोर्टाई के नाम से हमने बोला रॉकफोर्ट चीज। तो हमने दो चीज देखा, स्विस चीज और रॉकफोर्ट चीज। स्विस चीज को बनाने में हम बैक्टीरिया यूज करते हैं, जबकि रॉकफोर्ट चीज बनाने में हम एक फंगस यूज करते हैं, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। यार ध्यान से देखो, यो जो चीज तुमको समझाए हैं एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, ये देखो लिखा है द लार्ज होल इन द स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ बैक्टीरियम नेम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। दूसरा कह रहा है द रॉकफोर्ट चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम एंड विच गिव देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। क्या है पर्टिकुलर फ्लेवर भैया? क्या हो सकता है? या तो फ्लेवर होगा, या क्या होगा टेक्सचर होगा, या क्या होगा टेस्ट। यानी देखिए, जो भी पनीर से चीज बनाते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन कितने आधार पे है भैया? तीन, टेक्सचर के आधार पे, फ्लेवर के आधार पे, टेस्ट के आधार पे। अगर बैक्टीरिया यूज किया तो कौन सी चीज बनाओगे? स्विस चीज। अगर फंजाई यूज किया तो कौन सी चीज बनाओगे? रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज याद रखिएगा, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई यूज करते हैं। बहरहाल जो भी हो, आपने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट देख लिया, यानी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में किस किस माइक्रोब्स का यूज करते हैं ये आप देख चुके हो। ये देखिए, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, भैया दूध से दही बनाने में, या टोडी के निर्माण में, या आप देखेंगे बेम्बू शीट्स हो गया, सोयाबीन हो गया, फिश हो गया, इसके फर्मेंटेशन में। बाकी आपने चीज के भी दो टाइप देखे, आपने देखा स्विस चीज, आपने देखा रॉकफोर्ट चीज। जो स्विस चीज है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी यूज करते हैं, रॉकफोर्ट चीज में पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई यूज करते हैं, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ध्यान रखिएगा। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। अब आगे हम देखते हैं, अब आगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देखिए, इवन इन इंडस्ट्री, इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे जो वैल्यूएबल है ह्यूमन बीइंग के लिए, जैसे कोई बीवरेजेस हो गए, यानी जो भी पेय पदार्थ हम पीते हैं, ठीक है, या एंटीबायोटिक्स। यानी इंडस्ट्री में भैया कितने पड़ेंगे हम लोग? दो, बीवरेजेस और एंटीबायोटिक। प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल, उसी को बोलते हैं फर्मेंटर। और फर्मेंटर का दूसरा नाम क्या है? बायोरिएक्टर। फर्मेंटर का दूसरा नाम क्या है? बायोरिएक्टर। या इसका साइज बता दो, 100 से 1000 लीटर, 100 से 1000 लीटर आपको बताया है।
स्टील टैंक, स्पार्क टैंक, मोस्ट कॉमन टाइप क्या है? स्टीलिंग टाइप। याद रखिएगा, ये भी बताया है, जो भी बायोरिएक्टर या फर्मेंटेशन होता है उसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, थर्मल एजाइटेटर और यहाँ पे सैंपलिंग पोर्ट होता है, और सैंपलिंग पोर्ट से स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर को हम पीरियोडिकली एसेस करते हैं कि फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। याद रखिएगा, बायोरिएक्टर या फर्मेंटर कहलाता है जिसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स या बीवरेजेस को बनाते हैं। तो बताइए, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बीवरेज की एंटीबायोटिक की दोनों दोनों, ये जिस बर्तन में बनाते हैं उस बर्तन को क्या बोलते हैं? फर्मेंटर या बायोरिएक्टर। इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, पीएच को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम होता है। इसमें सैंपलिंग पोर्ट होता है जहां से स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सैंपल निकाल के पीरियोडिकली हम चेक करते रहते हैं कि जो बीवरेजेस एंटीबायोटिक बना रहे हैं वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, चलिए, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आपने देख लिया। अब आगे हम आगे चलेंगे। इसमें ये देखिए, ये फोटो है फर्मेंटर का, ध्यान से देखिए। ये जो फोटो स्क्रीन पे दिख रहा है ये फर्मेंटर का फोटो है, फोटो देख लीजिए। इसी का दूसरा नाम बायोरिएक्टर है। ये देखिए, ये कितना बड़ा है, ये फर्मेंटेशन प्लांट पूरा, जहां पे फर्मेंटेशन कराते हैं ये फर्मेंटेशन प्लांट है। चलिए, अब हम आपको यहां चल रहे हैं बेटा। ये वो पोर्शन है जो फर्मेंटेड बीवरेजेस के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फर्मेंटेड बीवरेजेस के बारे में दिया हुआ है, यानी जो भी लिक्विड आप पीते हैं वो क्या क्या है, यहाँ आपसे मतलब है ह्यूमन बीइंग। माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। ये सब पेय पदार्थ हैं, वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, रम है। फॉर दिस पर्पज, इन सबको बनाने के लिए, चाहे वाइन हो, चाहे बियर हो, चाहे विस्की हो, चाहे ब्रांडी हो, चाहे रम हो, हम लोग सिर्फ एक ही ईस्ट, सेम ईस्ट यूज करते हैं। बताइए, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम बनाने के लिए अलग अलग यूज करेंगे कि सेम ईस्ट? क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। बताओ बच्चों, क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। कमेंट सेक्शन में जवाब दो। सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, ब्रेड मेकिंग के लिए जो होती है, कॉमनली कॉल्ड, इसी को बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। बताओ किसको बोलते हैं? ब्रीवर्स ईस्ट। सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी काहे लिए यूज करते हैं? फर्मेंटेशन। किसका? माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस। बताइए, अनाज की फलों का रस की दोनों, और क्या बनाते हैं? इथेनॉल, इथेनॉल, दारू, शराब। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट? हाँ, बताओ कमेंट सेक्शन में जवाब दो। कमेंट सेक्शन में, डू यू नो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है जिसे प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल होता है? कमेंट सेक्शन में जवाब दो बच्चे, कमेंट सेक्शन में जवाब दो। आई एम वेटिंग। ऑल इन वन, गुड। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, महेंद्र सिंह पूरा लिखिए, फर्मेंटेशन नहीं, क्या बोलेंगे? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। मुस्कान, अन्नू, नितिन राय, फोकस, स्टडी पे फोकस। एल्कोहल एंड कृष्णा राजपूत, एल्कोहलिक फॉर्मेशन फर्मेंटेशन, महेंद्र सिंह, शवा परवीन, एल्कोहलिक, कमॉन, हरी अप, जल्दी जल्दी बेटा, एम्स दिल्ली जाना है, दिल्ली दूर नहीं है, जुटो। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, कुंवर गुप्ता, आरजू, एल्कोहलिक फर्मेंट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन, द टाइप ऑफ द प्रोसेसिंग। याद रखिएगा, देखो कौन सा रॉ मटेरियल है और किस तरीके की प्रोसेसिंग है, डिस्टिलेशन है कि नहीं है। देखो, प्राकृतिक तौर पे जो अल्कोहल बनता है उसमें जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है कभी भी 13% से ज्यादा नहीं होगा। यानी प्राकृतिक तौर पे जो अल्कोहल बनता है उसमें जो अल्कोहलिक कंटेंट है वो कभी भी 13% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जो भी मार्केट में मिलता है, वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, रम है, सब में अलग अलग तरीके का अल्कोहलिक कंटेंट होता है। देखो, जैसे 6 से 8% के आसपास जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है किसमें होता है?
बियर में। अब जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, वाइन बियर विस्की ब्रांडी रम में किसमें कितना परसेंटेज होता है? सब लोग जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दो, किसमें कितना परसेंटेज होता है? वेटिंग। हाँ बेटा सही लिखे हो संदीप मिश्रा, 13% से ज्यादा होगा तो टॉक्सिक होगा। किसके लिए? ईस्ट के लिए। ईस्ट ही तो फर्मेंटेशन कराती है। 13% से ज्यादा होगा तो ईस्ट मर जाएगी, यानी प्राकृतिक तौर पे जितने पेय पदार्थ पाए जाते हैं उसमें अल्कोहलिक कंटेंट 13% ज्यादा नहीं होगा। तो जो हम मार्केट से शराब खरीदते हैं उसमें अल्कोहलिक कंटेंट 70% तक होता है। तो द प्रोसेस बाय विच वी आर गोइंग टू इंक्रीज द अल्कोहलिक कंटेंट इज नोन एज व्हाट? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन वह प्रक्रिया है जिससे हम अल्कोहलिक कंटेंट को बढ़ाते हैं। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए सारे लोग, किसमें अल्कोहलिक कंटेंट कितना है? वेटिंग। देखिए ब्रांडी, अनुज कुशवाहा, ब्रांडी ब्रांडी बेटा सबसे ज्यादा होता है ब्रांडी में, 35 नहीं बहुत ज्यादा होता है। धीरेंद्र कुमार, अच्छा देखो अब मैं तुमको एक और बात बताएं। हर्षित तिवारी सुनो ध्यान से, सिर्फ एक याद रखना, मेरा नाम नितेश है, वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, नीट के बाद देख लेना। ये सब केवल फालतू बतौलेबाजी होगा जो अगर तुम्हें रटवाए, समझो। ये देखो हमने हॉर्लिक्स में ये सारी चीजें दी हुई हैं। देखिए बियर हॉर्डियम वुलगेरी से बनाते हैं, वाइन ग्रेप से बनाते हैं, याद रखिएगा। बियर किससे बनाते हैं? बारले, बारले बजड़ा से बनाते हैं। वाइन से क्या बनाते हैं? ग्रेप। ब्रांडी डिस्टिलेशन से बनाते हैं। जिन यूरोपियन राइस से काले सरीले, रम गन्ने से बनाते हैं, मोलासेस। और सबसे ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट ब्रांडी में होता है, ब्रांडी में समझ लो, मैक्सिमम अल्कोहलिक कंटेंट ब्रांडी में होता है। आपको जो याद रखना है बेटा केवल बियर याद रखना, और 6 से 8 या 3 से 6 दे तो भी सही है। अच्छा चलिए, जो सवाल है वो ये है कि 13% से ज्यादा नहीं होता है तो 13% ज्यादा जो ड्रिंक में पाया जाता है अल्कोहलिक कंटेंट वो किस प्रोसेस से पाया जाता है? तो बोलते हैं डिस्टिलेशन। यानी अगर किसी अल्कोहलिक बिवरेजेज में डिस्टिलेशन नहीं हुआ है इसका मतलब उसमें अल्कोहलिक कंटेंट क्या है? कम। समझो, वाइन और बियर दो ऐसी चीज होती हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन बनती हैं, इसीलिए वाइन और बियर दोनों में अल्कोहलिक कंटेंट क्या होता है? कम होता है। ये देखो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज द फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। जैसे इस लाइन को ध्यान दें, वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन, बताइए बगैर डिस्टिलेशन के क्या बनाते हैं? वाइन एंड बियर। और देखिए विस्की ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। विस्की ब्रांडी रम बाय डिस्टिलेशन समझ लो, और वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन, बस खत्म। अब अगला टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। देखिए देखिए एंटीबायोटिक्स, दीज आर द केमिकल, एक्चुअली एंटीबायोटिक क्या होता है? दीज आर द केमिकल सिंथेसाइज बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट गोइंग टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो एंटीबायोटिक्स क्या है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस गोइंग टू बी सिंथेसाइज बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट इनहिबिट। लाइट कम लग रही है, थोड़ा बैटरी चेंज कर दें। देखिए हमने कहा एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं,
These are the chemical synthesized by one microorganism, but going to inhibit the growth of other microorganism. देखिए एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, बायोटिक माने लाइफ, अगेंस्ट लाइफ किसके लिए है, माइक्रोब्स के लिए, बट ह्यूमन के लिए क्या है, प्रो लाइफ, फॉर लाइफ. 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी डिस्कवरी में से एक है, याद रखिएगा. हमने कहा एंटीबायोटिक्स क्या है, जरा देखें, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स are regarded as one of the most significant discovery of 20th century. 20वीं शताब्दी की सबसे बड़े आविष्कार में जो आता है वो एंटीबायोटिक्स का आविष्कार. Have greatly contributed toward welfare of human society. जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक बहुत ही कल्याणकारी रूप में यूज किया हमने एंटीबायोटिक का. एंटी is a Greek word. देखिए anti क्या है, Greek word. That means against, and bio means life. Together they form against life. Antibiotic का मतलब against life है. In the context of disease causing microorganism, यानी बीमारी फैलाने वाले microorganism के संदर्भ में अगर बात करें तो इनके विरुद्ध है, उनके against है. Whereas with reference to human being, मानव के रेफरेंस में अगर बात करें तो प्रो लाइफ, नॉट अगेंस्ट, यानी मानव के जीवन के विरुद्ध नहीं है, मानव के जीवन के लिए है, मानव के जीवन के कल्याण के लिए है. यानी जो भी बीमारियां होती हैं एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके हम बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं. अब यह मत सोचना कभी भी तुम कि एंटीबायोटिक्स बीमारी ठीक करते हैं. ठीक तो हम अपनी बॉडी के प्रतिरोधात्मक क्षमता से होते हैं, लेकिन हाँ, ये एंटीबायोटिक्स उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या उनको रोक देते हैं, हमारी इम्यूनिटी उनको स्टिमुलेट होकर उसको मार देती है. याद रखिएगा, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सिंथेसाइज बाई वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट गोइंग टू inhibit the growth of other microorganism. Anti मतलब against, biotic मतलब life, यानी अगर disease causing microbe के संदर्भ में बात करें तो ये against life है, अगर human के संदर्भ में हम बात करें तो ये for life है. Alexander Fleming ये laboratory में काम कर रहा था Staphylococcus bacteria पे. शाम को जाते समय घर इन्होंने कल्चर प्लेट को धोया नहीं, जल्दी जल्दी चले गए. कुछ प्लेट धुले हुए थे, कुछ प्लेट बिना धोए छूट गए. दूसरे दिन जब आप आए तो बिना धुले प्लेट पे इन्होंने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो कराया, तो बिना धुले प्लेट पे बैक्टीरिया नहीं ग्रो करी, और जो धुले हुए प्लेट थे उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर गई. तो उन्होंने सोचा आखिर क्या है जो इन बिना धुले प्लेट पे न्यूट्रिएंट मीडियम डालने के बाद भी स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा है. उन्होंने देखा कि वहां एक मोल्ड ग्रो कर रहा था, मोल्ड मतलब फंगस ग्रो कर रहा था, जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम था. उस पेनिसिलियम नोटेटम को स्टडी करके एक एंटीबायोटिक निकाला जिसका नाम पेनिसिलिन था. क्या आप जानते हैं यह पेनिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है. एंटीबायोटिक दो तरीके का होता है, नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम. समझना, बैक्टीरिया दो तरह की होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. ऐसा एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों पे काम करता है उसको अपन लोग, हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. भाई साहब चमत्कार तो होना ही था. एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि जो मोल्ड है यानी बिना धोए प्लेट पे जिसमें बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रही थी, वहां पे पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस ग्रो कर रहा है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा है. उन्होंने देखा ये कैसे रोक रहा है, तो पेनिसिलियम नोटेटम एक केमिकल निकाल रहा था जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा था, बैक्टीरिया को मार रहा था, उसी को पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं. हालांकि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ चेन फ्लोरे और फ्लेमिंग तीनों मिले, चेन फ्लोरे और फ्लेमिंग तीनों मिले. ये वाकया है 1945 का, जब द्वितीय विश्व युद्ध में घायल सैनिकों को इस्तेमाल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भारी तादाद में हुआ. यही कारण है कि चेन फ्लोरे और फ्लेमिंग को एक साथ पेनिसिलिन के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला. यानी पेनिसिलिन का फुल पोटेंशियल बताने वाला केवल फ्लेमिंग नहीं था, उनके साथ चेन ऑन चेन फ्लोरे और फ्लेमिंग तीनों थे. अभी आ रहा है, देखिए एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंस
produced by some microorganism can kill या retard the growth of other microorganism. अगर हम कहते हैं kill करेगा, अगर bacteria को kill करेगा तो bactericidal, अगर रोक देगा growth को तो bacteriostatic, अगर virus को kill करेगा viricidal, अगर रोक देगा virostatic, अगर fungus को kill करेगा fungicidal, अगर फंगस के ग्रोथ को रोक देगा फंजी स्टेटिक. ऐसे याद रखना, अगर वो किल कर रहा है तो उसको बोलते हैं साइडल. साइडल का मतलब होता है किलिंग, किलिंग. अगर कहता है स्टेटिक मतलब उसकी ग्रोथ को रोक देगा, स्टेटिक मतलब स्टॉप ग्रोथ, स्टॉप ग्रोथ. अगर ग्रोथ को रोक देगा उसको स्टेटिक बोलेंगे. तो देखो बैक्टीरिया के लिए बैक्टेरियोसाइडल, बैक्टेरियोस्टेटिक. फंजाई के लिए फंजीसाइडल, फंजीस्टेटिक. वायरस के लिए वायरिसाइडल, वायरोस्टेटिक. यानी एंटीबायोटिक ध्यान रखना, ये किलिंग के साथ साथ, ये किलिंग के साथ साथ ये या तो किलिंग करे नहीं तो बैक्टीरिया मतलब पैथोजन के ग्रोथ को रोक देगा. यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. पेनिसिलिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बिकॉज इट इज गोइंग टू वर्क ऑन बोथ ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड. पहला एंटीबायोटिक जो पूरी दुनिया में खोजा गया वो पेनिसिलिन था. हेंस इट वॉज अ चांस डिस्कवरी. ये जानबूझ के नहीं था, चांस डिस्कवरी. और चांस डिस्कवरी के लिए हम लोग बोलते हैं सरेंडिपिटी, सरेंडिपिटी. चांस डिस्कवरी यानी कर रहे थे कुछ और हो गया कुछ और, समझो. इसी को तो बोलते हैं सेरेंडिपिटी. दुनिया में ज्यादातर काम वही होते हैं जो सेरेंडिपिटी वाले होते हैं, याद रखिएगा. इसीलिए कोई भी काम अगर किया जाता है मन से किया जाता है और उस काम को छोड़ा नहीं जाता, उसमें जो भी समस्याएं आती हैं उनसे जूझा जाता है. कभी कभी जूझते जूझते कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना हम खुद नहीं कर पाते हैं और इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाता है, याद रखिएगा. देखिए क्या हुआ था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ, देखिए क्या हुआ था. हमने क्या बोला, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफिलोकोकाई, एक बैक्टीरिया है. स्टेफिलोकोकाई क्या है, एक बैक्टीरिया. वंस ऑब्जर्व, एक बार उन्होंने देखा. और मोल्ड, मोल्ड माने फंगस. ये कौन सा मोल्ड था भाई, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम. हालांकि आज हम पेनिसिलियम नोटेटम से अगर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निकालें तो प्रोडक्शन बहुत कम होता है. इसकी एक दूसरी, देखो पेनिसिलियम तो जीनस है, इसकी एक और स्पीसीज है, उसका नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम. देखो बच्चों पेनिसिलियम नोटेटम को आज हम मॉडिफाई कर चुके हैं, मॉडिफाई कर चुके हैं अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग से, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने पेनिसिलियम नोटेटम को मॉडिफाई कर दिया. और एक दूसरा स्पीसीज है पेनिसिलियम जेनरा की, जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम क्राइसोजेनम. इन दोनों का इस्तेमाल करके हम कमर्शियल रूप में, कमर्शियल रूप में व्यावसायिक स्तर पे कमर्शियली एक्सट्रैक्ट, कमर्शियली एक्सट्रैक्ट पेनिसिलिन. यानी जो पेनिसिलिन है जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, उसका औद्योगिक स्तर पे, व्यावसायिक स्तर पे जो हम निकालते हैं वो पेनिसिलियम नोटेटम के मॉडिफाइड स्ट्रेन से, और एक दूसरा है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, इसका इस्तेमाल करके करते हैं. तो क्या कह रहा है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया, एक बार उन्होंने ऑब्जर्व किया मोल्ड ग्रोइंग ऑन वन ऑफ हिज अनवॉश कल्चर प्लेट, एक कल्चर प्लेट जिसको धोना भूल गए थे उस पे स्टेफिलोकोकाई कुड नॉट ग्रो. ही फाउंड आउट, उन्होंने पता लगाया, ही फाउंड आउट, उन्होंने क्या पता लगाया उस समय, दैट इट वाज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस बाय द मोल्ड एंड नेम्ड इट पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम. यानी जो भी अनवास कल्चर प्लेट था, देखते नहीं हो घर में कुछ छूट जाए तो फंगस ग्रो कर जाता है, तो न्यूट्रिएंट मीडिया तो था ही, उसे फंगस ग्रो कर गया. वो कौन सा फंगस ग्रो किया, पेनिसिलियम नोटेटम. उसने एक केमिकल निकाला, क्या बोलते हैं उसको, उसी फंगस के नाम पे पेनिसिलिन नाम दे दिया गया. हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल वाज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश मच लेटर बाय अर्नस्ट चेन एंड हवार्ड फ्लोरे. और देखो 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 सच तो ये है कि जब ये लेके गया था अपने डिस्कवरी को तो इसको तवज्जो नहीं दिया लोगों ने. बाद में क्या है, चेन फ्लोरे और मिले तो इसके काम को पब्लिश किया. जब काम पब्लिश हुआ तो दुनिया ने सराहा, जब इसके इस्तेमाल किया तो चमत्कारिक रिजल्ट मिले. दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स
wounded in World War II, द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिकी घायल सैनिक थे उनको यूज किया गया ठीक करने के, उनके बॉडी पे यूज किया गया पेनिसिलिन को उनको ठीक करने के लिए। ये देखिए फ्लेमिंग चेन फ्लोरे, ये आधे अधूरे नाम दिए हुए हैं तो आधे अधूरे याद रखना, ठीक है। फ्लेमिंग चेन और फ्लोरे तीन अलग अलग वैज्ञानिक हैं, इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1945 में पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए। तो बताओ पेनिसिलिन के डिस्कवरी के लिए, जो उसके फुल पोटेंशियल के लिए जो नोबेल प्राइज मिला था, अकेले फ्लेमिंग को मिला था कि उनके साथ और भी वैज्ञानिक थे, कौन? चेन और फ्लोरे। तो चेन फ्लोरे फ्लेमिंग तीनों को एक साथ नोबेल प्राइज मिला था। बहरहाल जो भी हो, अब हम यहां आ चुके हैं। ये देखिए आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक वर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। पेनिसिलिन के अलावा और भी एंटीबायोटिक्स को हम दूसरे माइक्रोब से निकाल चुके हैं। कैन यू नेम सम ऑफ द एंटीबायोटिक एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेस? तो कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम जानते हो जो दूसरे सोर्सेस से आए हैं? बताइए जरा कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ एंटीबायोटिक के नाम बताइए जरा कमेंट सेक्शन में बताइए, टाइप करिए। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको याद होना चाहिए, कुछ एंटीबायोटिक के नाम बताइए। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन कहां से निकलते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहां से निकलते हैं? अरे एमोक्सिसिलिन। देखो अपने दवाई के दुकान वाला मत बताओ मेरे लल्ले। ऋत्विक वेरी गुड, स्ट्रेप्टोमाइसिन एम्फिसिलिन। तो वो बताओ ना कि उस एंटीबायोटिक को किससे निकालने हैं। जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग। देखिए यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपको क्या करना है जरा सुन लीजिए, यहां पे सुन लीजिए कि हमने कहा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो एंटीबायोटिक्स है अगर तुम सर्वे करोगे तो देखोगे बैक्टीरिया के अलावा, बैक्टीरिया के अलावा हम फंजाई से भी निकलते हैं। तो जब पूरा लिस्ट बनाओगे तो तुम देखोगे एंटीबायोटिक, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन, एम्फिसिलिन, ठीक है, दुनिया भर के एंटीबायोटिक है, उससे मतलब नहीं है, जिससे मतलब है वो ध्यान से समझो। एंटीबायोटिक्स के एक्सट्रैक्शन हम बैक्टीरिया से करेंगे कि फंजाई से कि दोनों से? तो जो राइट आंसर होगा हम दोनों से करेंगे, ठीक है। बताइए एंटीबायोटिक को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे बैक्टीरिया की फंजाई की? दोनों से, दोनों से, ये मतलब है। एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड द कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग। सोचो 2020 में क्या आया? कोरोना। और 1920 में क्या फैला था? प्लेग। बहुत लोग मरे थे, प्लेग फैला था। तो आज भी गंवारों से बात करो तो क्या बोलते हैं? कोरोना कुछ नहीं है, समझो भाई साहब। आज इम्यूनिटी स्ट्रांग है और डेडली स्ट्रेन मिला नहीं है, जिनको भी टकराया वो ले गए उनको, और समय से प्रिकॉशन ले लिया, लोगों में दहशत हो गया तो लोग अवॉइड करने लगे, कंट्रोल हो गया, नहीं तो वो हाल होता कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना। 1920 का अगर मंजर देखना है तो आप पुराने वीडियो देख लीजिए, 1920 प्लेग में क्या हाल था भारत का, लाखों लोग मर रहे थे, लोग गांव के गांव छोड़ के भाग जा रहे थे, एक महामारी आई थी। उस प्लेग जैसी खतरनाक महामारी पे एंटीबायोटिक का यूज करके हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। अब आइए वूपिंग कफ, अरे यार कहते हैं काली खांसी, कहते हैं किसी के ऊपर काला साया है, यानी हा 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 खांसते खांसते हालत खराब। वूपिंग कफ वर्डुटेला पर्टुसिस, वूपिंग कफ एक बैक्टीरिया है, पहले काली खांसी मतलब खांसते खांसते हालत खराब, उस बीमारी को भी हमने बैक्टीरिया होते ही बर्डुटेला पर्टुसिस वूपिंग कफ काज करती थी। ये देखिए डिप्थेरिया गला घोटू, डिप्थेरिया गला घोटू, और ये देखो लेप्रोसी कुष्ठ रोग,
अमूमन बच्चे सोचते हैं लेप्रोसी में क्या होता है, सफेद दाग, सफेद दाग अलग होता है, ल्यूकोडर्मा होता है। लेप्रोसी में नाखून सड़ के गिर जाएगा, उंगली सड़ने लगेगी, नाक सड़ने लगेगा, कान सड़ने लगेगा, समझो वो लेप्रोसी होता है। जो सफेद दाग आप देखे हैं, वो जो सफेद दाग आप देखे हैं, ल्यूकोडर्मा है, लेप्रोसी बैक्टीरियस होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। किससे होता है भैया? लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री। किससे होता है? डिप्थेरिया कॉर्नी बैक्टेरियम डिप्थेरी। किससे होता है? वूपिंग कफ वर्डुटेला पर्टुसिस। जरा देखो यहां पे, देखो हमने क्या कहा तुमसे, यहां पे कुछ ना तुमको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे वूपिंग कफ किससे होता, देखो प्लेग किससे होता है, सबसे पहले प्लेग किससे होता है, तो तुम कहोगे सर जी एरसिनिया पेस्टिस, एरसिनिया पेस्टिस से बैक्टीरिया का नाम है एरसिनिया पेस्टिस। पूछेगा ये बताओ ये वूपिंग कफ किससे होता है, वूपिंग कफ जिसको काली खांसी बोलते हैं, बर्डुटेला पर्टुसिस, बर्ड्यूटेला, बर्ड्यूटेला पर्टुसिस, बर्ड्यूटेला पर्टुसिस। बताइए वूपिंग कफ को कौन सी खांसी बोलते हैं? काली खांसी। ऐसे ही मेरे बच्चों ये डिप्थेरिया जिसको गला घोटू बोलते हैं, ये किससे होता है? कॉर्नी बैक्टेरियम डिप्थेरी, कॉर्नी बैक्टेरियम, कॉर्नी बैक्टेरियम डिप्थेरी। चलो किससे होता है प्लेग? एरसिनिया पेस्टिस। किससे होता है वूपिंग कफ? वर्डुटेला पर्टुसिस। किससे होता है डिप्थेरिया? कॉर्नी बैक्टेरियम डिप्थेरी, डिप्थेरी। डिप्थेरिया को बोलते हैं गला घोटू। बताओ क्या बोलते हैं? गला घोटू, गला छोटू की गला घोटू, गला घोटू। और ये देखो बच्चों लेप्रसी कुष्ठ रोग, लेप्रसी को क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग। कहते हैं एमडीटी खाओ कुष्ठ भगाओ। लेप्रसी ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक, ये नाम होने चाहिए। देखिए बहुत कम कोशिश कर रहे हैं जितना पूछेगा बेटा, लेकिन ये नाम आपको याद करना ही पड़ेगा। बताइए वहीं से चिल्लाइए किससे होता है प्लेग? एरसिनिया पेस्टिस। बताओ बच्चों वहीं से किससे होता है प्लेग? एरसिनिया पेस्टिस। टाइप करिए प्लेग, सब लोग टाइप करिए एरसिनिया पेस्टिस, याद होना है अभी। किससे होता है प्लेग? टाइप करो भाई, सब लोग टाइप करिए बेटा। वासु कसे बहुत पिटोगे, एरसिनिया में वाई है ये, एरसिनिया। आदित्य एरसिनिया पेस्टिस, शबा परवीन एरसिनिया पेस्टिस, ऋत्विक एरसिनिया पेस्टिस, अनुज एरसिनिया पेस्टिस। अनु सिंह स्पेलिंग सही करो, अर्मानिया नहीं अर्सिनिया है, वाई ई आर स्पेलिंग, Y-E-R सिनिया पेस्टिस, इसीलिए बोला लिखो एरसिनिया पेस्टिस, एरसिनिया। चलिए किससे होता वूपिंग कफ? बर्ड्यूटेला, बर्ड्यूटेला BERDUTELA पर्ट्यूसिस, वर्डुटेला। टाइप करिए वर्डुटेला पर्ट्यूसिस, राहुल अनुरागी। चलिए हरी आप सब लोग जल्दी जल्दी, आदित्य ठाकुर, शबा परवीन, ऋत्विक कुंवर, वासु, उद्देश्य पांडे, कृष्णा राजपूत, अंकित चौहान, अनुज कुशवाहा, राजेश मुंडल, धीरेंद्र कुमार, अंजलि कर पाठक, थोड़ा एक्टिव रहो भाई। चलिए टाइप करिए किससे होता डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। मुस्कान का जवाब आया लेट, आरजू भैया एक्टिव रहो, वेरी गुड राहुल अनुरागी। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरिया। क्या बोलते हैं डिप्थेरिया को हम लोग? गला घोटू। ऑल इन वन कृष्णा अनु राजेश उद्देश्य ऋत्विक अनुज आरती, अनुज आरती का एकदम एक साथ आ रहा है।
अंजलि शबा प्रवीण, ठीक है गुड। चलिए अब फाइनली लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री लेप्रोसी होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। आदित्या उदेश पांडे गलत हो गया बेटा, महेंद्र सिंह सबसे सही। मैं एक साथ लिख दिया पूरा, अभी तक टाइप कर रहा था। प्लेग एर्सिनिया पे स्थित हुपिंग कप, बडूटना पर्टोसिस, गलाघोटी, कार्टिबैक्टीरिया, डिप्थेरी, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। वेरी गुड महेंद्र सिंह, गुड, वेल डन, एक साथ दे दिया जवाब, बहुत सही। मुस्कान, धीरेन्द्र, अंजलि, आरजू, वासु, कुआ, ऋत्विक, चलिए आ रही आप चलिए। अच्छा यार यहां पे सुनो, अभी तक जो भी पढ़ाए सब एक तरफ, यार क्या करूं मैं यार इस लाइन का, सुनो तो कुछ कह रहा हूं तुमसे। देखो 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 ये देखो, टुडे वी कैनॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। बहुत बड़ी बात कह दी, आज एंटीबायोटिक्स के बिना हम दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। तो आपके चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन आता है, इन योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे विल आस्क, क्या पूछ सकते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन एंटीबायोटिक सडनली डिसअपीयर। अगर एंटीबायोटिक दुनिया से सडनली डिसअपीयर हो जाए तो क्या होगा? एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। क्यों? क्योंकि माइक्रोब कितना ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, ये सबके सर्वाइवल को खत्म कर देंगे। टुडे यू कांट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। आज एंटीबायोटिक्स के बगैर आप दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। सुनो सुनो सुनो, सारे लोग टाइप करिए, वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। इस लाइन को टाइप करिए सारे लोग, क्या? टुडे इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। एनसीईआरटी को प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बनाना है, टाइप करिए सारे लोग, क्या? वी कैनॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। आज एंटीबायोटिक्स के बगैर दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। चलिए टाइप करके भेजिए। आदित्य ठाकुर, वेरी गुड। अंजलि कर पाठक, वेरी गुड। शबा प्रवीण, एक्सीलेंट। राजेश मोल्डन, वेल डन। उदेश पांडे, कृष्णा राजपूत, ऑल इन वन। बस बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। कुंवर गुप्ता, वेरी गुड। मुस्कान, महेंद्र सिंह, ऋत्विक कुमार सिंह, चलो भाई और लोग जागो। आरजू जफर, वेरी गुड, चलो भाई, देखो भाई सो रहे हैं अभी। अब्दुल भाई, और आया आपका जवाब, अभी तक सोए थे आप, बताइए। अन्नू सिंह, गुड। अंकित चौहान, वेरी गुड, चलो जल्दी हरी अप। आरती, आकांक्षा सिंह, चलिए अब अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। पूरा चैप्टर एक तरफ, चलिए धीरेन्द्र, श्रवण मौर्य, हो सकता है कभी कभी क्या होता है नेट स्लो होता है तो रिस्पॉन्स थोड़ा रुक गया आता है, ये चीज हमें समझ में आती है, ठीक है, तो जिसका बाद मेरा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, पूरा चैप्टर एक तरफ, अकेले ये हेडिंग एक तरफ, हो सकता है इस हेडिंग से नीट 2021 में क्या है दो तीन सवाल आ जाए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि एक ही पेपर में दो या तीन सवाल आ जाए, पूरा चैप्टर एक तरफ, केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एक तरफ। अगर सीरियस बच्चे से पूछो तो कहेगा सर जी इस पन्ने से दो तीन सवाल आ सकते हैं, पता है आपको। ये देखो, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ क्या है, सर्टन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल और एंजाइम। यानी इस पूरे हेडिंग में हम देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल और एंजाइम के निर्माण में किस किस माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम एसिड की बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एसिड की बात करें तो ये देखो एस्परजिलस नाइजर, ये एस्परजिलस नाइजर क्या है,
एक फंगस है, इसे एसिड बनाते हैं सिट्रिक एसिड। तो बताएंगे कि देखिए सिर्फ एक ही फंगस है, इसका नाम है एस्परजिलस नाइजर, और एस्परजिलस नाइजर जो एसिड बनाता है उसका नाम है सिट्रिक एसिड। वहीं से बोलो, खूब तेज बोलो, एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड। बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखिए एस्परजिलस नाइजर कौन सा एसिड बनाएगा, सिट्रिक एसिड। और याद रखना इसके बाद जो भी हम पढ़ाएंगे सब बैक्टीरिया होंगी, जैसे क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटायरिकम ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड। यानी सिर्फ एक ही है एस्परजिलस नाइजर जो फंगस है जो क्या बनाता है सिट्रिक एसिड, जबकि लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटायरिकम ब्यूटायरिक एसिड, समझ में आ रहा है, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड। वेरी गुड, सब लोग लिख रहे हैं, अब्दुल, धीरेन्द्र, आरजू, राहुल, आदित्य, महेंद्र, कुंवर। चलिए तो सिर्फ एक ही फंगस है एस्परजिलस नाइजर, एक फंगस है जो सिट्रिक एसिड बनाता है, जबकि एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई ये क्या बेटा, एक बैक्टीरिया है जो क्या बनाता है एसिटिक एसिड। देखो तुम कैसे पकड़ोगे, इधर देखो एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, ये देखो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड ब्यूटायरिक एसिड, ये देखो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। समझो बात को, यानी अब हम थोड़ा सा वर्कआउट कर ले, क्या वर्कआउट कर ले जरा देखिए। हमने कहा, हमने कहा एसिड के निर्माण को देख रहे हैं हम, एसिड के निर्माण को, ठीक। तो जो एसिड के निर्माण में यहां पे हमने लिखा एसिड और यहां पे हम लिख देंगे माइक्रोब्स, माइक्रोब्स, ठीक। तो एसिड में हमने कहा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, तो ये हम बनाते हैं एस्परजिलस नाइजर से, एस्परजिलस नाइजर। अपने दिमाग में भर लो, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से बनाते हैं। हम बात करें एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर बैक्टर एसिटाई। हम क्या ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटायलिकम, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटायलिकम। हम कहें लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। तो आपने देखा यहां पे एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, केवल एसिड, देखो सुनो, सिट्रिक एसिड जो होता है ये केवल एस्परजिलस नाइजर से बनता है, ये एक फंजाई है, जबकि तुम्हारा हम कहें एसिटिक एसिड ब्यूटायरिक एसिड लैक्टिक एसिड ये सब क्या होते हैं, बैक्टीरिया। तो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज टू टाइप ऑफ माइक्रोब्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिड। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सी द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड वी विल यूज अ फंगस नोन एज एस्परजिलस नाइजर, you know, for the production of acetic acid, butyric acid, lactic acid, we are going to use what? Bacteria. My dear students, बाजार में मिलने वाले जो juice होते हैं, bottled juice, जो bottled juice होते हैं, बाजार में मिलने वाले Tropicana या जो भी juice पीते हैं आप, तो जो bottled juice होते हैं, वो more clear. बाजार में मिलने वाले जो juice होते हैं, वो मोर क्लियर होते हैं, ज्यादा साफ होते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर एब्सेंट होते हैं, फाइबर एब्सेंट। देखो कभी भी बाजार में मिलने वाले जूस होते हैं, फाइबर होते ही नहीं, तो पीने का मतलब क्या है, कुछ नहीं, पीते समय अच्छा लगता है, लेकिन हमारे बॉडी में फाइबर जब होगा ही नहीं तो क्या मतलब है जूस पीने का यार, एलिमेंट्री कैनाल क्लीन ही नहीं होगा। हाँ, बॉटल जूस में अगर फाइबर होता तो क्या होगा, स्टोरेज नहीं हो पाएगा, बहुत दिनों तक नहीं रह पाएगा, सड़ जाएगा वो। तो फाइबर को
फाइबर एब्सेंट होता है, क्योंकि फाइबर को डिसॉल्व करने के लिए, फाइबर को डिसॉल्व करने के लिए जो भी कंपनी वाले होते हैं वो यूज करते हैं प्रोटीएज और पेक्टिनेज, प्रोटीएज और पेक्टिनेज, प्रोटीएज और पेक्टिनेज। बॉटल्ड जूस आर मोर क्लियरर देन होममेड जूस। बाजार में मिलने वाले जो जूस होते हैं उनमें बहुत, मतलब उनकी तुलना में जो घर में जूस बनता है वो घर वाले में फाइबर होता है, पर बाजार वाला एकदम साफ है, फाइबर नहीं है। क्यों नहीं है बाजार में मिलने वाले जूस में फाइबर? क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर को डाइजेस्ट कर दिया गया है। क्या यूज करके? प्रोटीएज और पेक्टिनेज, ये क्या होते हैं? एंजाइम। तो बॉटल्ड जूस में फाइबर डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम यूज करते हैं? कहोगे प्रोटीएज और पेक्टिनेज। अब देखो, कभी किसी पार्टी में गए, कहीं फंक्शन में, तो कुछ खाना गिर गया अगर कपड़े पे, या घर पे ही गिरा लिए अगर कपड़ों पे खाना, तो जो दाग रिमूव करने के लिए लॉन्ड्री वाले जो होते हैं, जो धोबी लोग होते हैं, वो स्टेन रिमूव करने के लिए, स्टेन रिमूव करने के लिए दो तरह के यूज करेंगे, या तो लाइपेज ऑयली स्टेन को यूज करने के लिए, ऑयली स्टेन को छुड़ाने के लिए लाइपेज एंजाइम यूज करेंगे, या प्रोटीनेसियस है तो प्रोटीएज। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीएज और पेक्टिनेज ये यूज करेंगे बॉटल्ड जूस के फाइबर को डिसॉल्व करने के लिए, जबकि प्रोटीएज और लाइपेज ये दोनों यूज करते हैं लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री में, याद रखिएगा। अब सुनो, अब यहां पे एक बात सुनना, देखो एक बीमारी होती है जिसमें आप देखोगे क्लॉट बन जाता है हार्ट में, तो इस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इस क्लॉट को, ब्लड का क्लॉट अगर हार्ट में बन गया तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं क्लॉट बस्टर, इसको बोलते हैं टीपीए, टीपीए। देखो कभी कभी क्या होता है, हार्ट में क्लॉट बन गया तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग क्लॉट बस्टर यूज करते हैं, जो क्लॉट बस्टर होता है उसको हम बोलते हैं टीपीए, जो टीपीए का फुल फॉर्म है टिश्यू प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर, इसी को बोलते हैं टिश्यू प्लास्मिनोजन, टिश्यू प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर, एक्टिवेटर, समझना, क्लॉट बस्टर बोलते हैं ये टीपीए या क्लॉट बस्टर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इसी का दूसरा नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रेप्टोकाइनेज बोले तो, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बोले तो, क्लॉट बस्टर बोले तो एक ही बात, ये क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए ये क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। किस बीमारी में? मायोकार्डियल इंफेक्शन। एक बीमारी है जिसका नाम है मायोकार्डियल इंफेक्शन, विच लीड्स टू अल्टीमेटली हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, समझना। देखो बेटा, हम तुमको एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे, एक होता है हार्ट फेल, एक होता है हार्ट फेल, हार्ट फेल, एक होता है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हार्ट में प्रॉपर खून का संचार नहीं हो रहा है हार्ट से, तो हार्ट फेल, हार्ट इज नॉट पंपिंग वेल, हार्ट फेल, हार्ट इज नॉट पंपिंग वेल, हार्ट फेल। अगर हमारा दिल अच्छे से धड़क नहीं रहा है, हार्ट फेल, तो हार्ट फेल में कोई मरेगा थोड़ी ना। जैसे स्कूल में फेल हो जाते, पास हो जाएंगे फिर बाद में, क्या दिक्कत है? हार्ट इज नॉट पंपिंग वेल, हार्ट फेल, दिल ने धड़कना छोड़ दिया, अरे भाई बुकिंग हो गई, कार्डियक अरेस्ट। हमने कहा हार्ट नॉट पंपिंग वेल, नॉट पंपिंग वेल, अगर हमारा दिल अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, हार्ट इज नॉट पंपिंग वेल, हार्ट फेल। व्हाट इज हार्ट फेल बच्चों? हार्ट इज नॉट पंपिंग वेल, हार्ट फेल। कहेगा व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक क्या है भैया? सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल, याद रखिएगा, ये डैमेज हो जाता है, डैमेज ऑफ हार्ट मसल, डैमेज ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू, ड्यू टू इनसफिशियंट ऑक्सीजन, इनसफिशियंट, इनसफिशियंट ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन के कारण हार्ट के मसल अगर डैमेज करने लगे तो हार्ट अटैक बोलते हैं। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? हार्ट स्टॉप बीटिंग, दिल ने धड़कना छोड़ दिया, हार्ट स्टॉप बीटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा हार्ट फेल, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट,
तीनों अलग अलग फेनोमेनन है। हमने कहा आपसे यहां पे कि हार्ट में अगर ब्लड का पंपिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, हार्ट इज नॉट पंपिंग वेल, उसको हार्ट फेल कहते हैं। लेकिन डैमेज ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू इनसफिशियंट ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? हार्ट स्टॉप बीटिंग। यहां पे हमने कहा कि एक बीमारी है जिसमें आप देखोगे मायोकार्डियल हार्ट अटैक, दिस इज ड्यू टू इस्कीमिया, लो ऑक्सीजन के कारण जो होता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इसी को बोलते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज। एनिमल फिजियोलॉजी में आपको खूब अच्छे से समझाया है इस्कीमिक, इसी को बोलते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिक हार्ट डिजीज ड्यू टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज ड्यू टू अ क्लॉट, याद रखिएगा। आपको बताया था एक लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी होती है, वहां पे क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर तुरंत फर्स्ट एड नहीं दिया गया तो इंसान की जान चली जाती है। यानी जो भी हार्ट फेल होता है, यानी स्पेशली जो भी अगर किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उस समय जो फर्स्ट एड होता है, जो प्राथमिक उपचार होता है, हर बच्चे को पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन। इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिएशन। याद रखना, अगर सीपीआर नहीं दिया गया तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। एनिमल फिजियोलॉजी में पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा बहुत अच्छे से, समझो बात को। हमने क्या बोला आपसे, मैं बात कर रहा हूं इस्केमिक हार्ट डिजीज, ये इस्केमिक हार्ट डिजीज है जिसे मायोकार्डियल इंफेक्शन बोलते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। मतलब अभी हार्ट अटैक नहीं हुआ है, अभी केवल इस्कीमिक कंडीशन है, O2 कम है, डैमेज होने वाला हार्ट का मसल। भैया डैमेज होने के पहले तुम यूज करो ना, क्या यूज करोगे बेटा? क्लॉट बस्टर। ये क्या होता है बेटा? कहोगे सर जी टीपीए। बेटा टीपीए क्या होता है? तुम कहोगे टिश्यू प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर। कहोगे इसको क्या बोलते हैं? हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकाइनिन। बेटा ये एक एंजाइम है, ये क्या स्ट्रेप्टो, जिसके लास्ट में ये लगा तो एंजाइम ही तो होगा। स्ट्रेप्टोकाइनिन एक एंजाइम है जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकालते हैं, ये बैक्टीरिया से निकालते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस अभी तक तुम पढ़े थे क्या कि माइक्रोब्स जान लेते हैं? यहां पे मैं उस माइक्रोब्स की नाम ले रहा हूं जो हमें जिंदगी देती है, जो हार्ट अटैक के दौरान जो हमारे दिल में क्लॉट बनता है उस क्लॉट को डिसॉल्व करने में एक अहम रोल प्ले करती है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। याद रखिएगा, वो एक एंजाइम बनाती है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम टीपीए कहते हैं, टिश्यू प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर कहते हैं, इसे हम क्लॉट बस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्लॉट बस्टर कहते हैं। महेंद्र सिंह, वाई वी गिव सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी एसोसिएशन इसलिए दिया जाता है कि जो पंपिंग रुकी है वो पंपिंग प्रॉपर हो जाए, यानी प्रॉपर बॉडी में। देखो हमारा लंग्स और हमारा हार्ट दोनों कोऑर्डिनेटेड है, हमारे दिल से खून निकल के ऑक्सीजनेशन के लिए कहा जाता है लंग्स में, तो जब सीपीआर देंगे तो लंग्स और हार्ट में जो तालमेल रुका है वो तुरंत स्थापित हो जाता है, अगर स्थापित नहीं हुआ तो जान चली जाती है। अक्सर लोग सीपीआर के कमी के कारण मरते हैं, इसीलिए कभी भी सबक्लेवियन रीजन में हार्ट दर्द उठे तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, में भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। अगर शरीर के बाएं साइड में सबक्लेवियन रीजन से उठता हुआ, चेस्ट से ऊपर उठता हुआ लोअर जॉ तक अगर आए तो कभी भी उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि में भी ये हो सकता है हार्ट अटैक के साइन। तो उस समय अगर प्रॉपर उनको प्राथमिक उपचार नहीं मिला तो जान चली जाती है। इसके अलावा हम अगर आपसे आपको बात करें, क्या है एक और है, इधर देखो, हमने कहा एक ड्रग होता है साइक्लोस्पोरिन। ये क्या है? ये एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। इस इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ये इस ड्रग्स का इस्तेमाल कौन करता है? ऐसे पेशेंट जिनमें अंग प्रत्यर्पण हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में, ऐसे लोग जिनका लीवर खराब हो गया, जिनकी किडनी खराब हो गई, जिन्होंने अंग प्रत्यर्पण कराया है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराया है, उनको ताउम्र शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता कम करने वाली दवाई लेनी पड़ेगी, उस इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का नाम साइक्लोस्पोरिन ए है। ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये एक फंगस से निकालते हैं, ये एक फंगस से निकालते हैं जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम
वो फंगस है जिसमें हम एक दवाई निकालते हैं जिसका नाम साइक्लोस्पोरिन ए है। यह साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स है और इसका इस्तेमाल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे लोग जो बहुत मोटे हैं और पतला होना चाहते हैं, वो अपने बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, यानी लेट मी इंट्रोड्यूस अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। सोचो, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 13 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, मतलब आज से 13 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है कोलेस्ट्रॉल पे। मोस्ट हाईली डेकोरेटेड माइक्रोमोलिक्यूल होता है कोलेस्ट्रॉल, समझ लो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, राजेश मंडल, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन तो अलग, हाँ, ग्राफ्ट रिजेक्शन से रोकने के लिए साइक्लोस्पोरिन यूज करेंगे, गुड। देखिए, हमने कहा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जो भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, यानी हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक केमिकल जिसका नाम है स्टेटिन। अपने दिमाग में बैठा लो ये बात, द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का नाम क्या है? स्टेटिन। व्हाट इज स्टेटिन? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। व्हाट इज स्टेटिन? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और स्टेटिन कहां से निकालते हैं? एक ईस्ट से, एक ईस्ट से। उस ईस्ट का नाम क्या है? मोनेस्कस परक्यूरियस, मोनेस्कस, मोनेस्कस परक्यूरियस, मोनेस्कस परक्यूरियस। ये मोनेस्कस परक्यूरियस ईस्ट से हम स्टेटिन निकालते हैं जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। अच्छा, ये जो स्टेटिन होता है ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट, जब एंजाइम देखोगे तो उसमें इनहिबिटर होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, दुनिया भर का इनहिबिशन है। तो एक तरह का कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटर है। कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कौन? स्टेटिन क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। किसके लिए? एक एंजाइम के लिए जिसका नाम है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। इस एंजाइम का सिंथेसिस रोक देंगे तो कहीं ना कहीं जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज हो रहा था वो रुक जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली एंजाइम कौन सी है? HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। अगर HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज रुक जाएगा बनना तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज ही नहीं होगा। इस HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज का नाम हर बच्चे को पता होना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटरिल कोएंजाइम ए रिडक्टेज, ग्लूटरिल कोएंजाइम ए रिडक्टेज। इतना बड़ा नाम है, ये याद होना चाहिए आपको, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटरिल रिडक्टेज एंजाइम, कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम है, समझिए। तो सवाल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट क्या है? स्टेटिन। कहां से निकालते हैं? ईस्ट से। क्या नाम है इसका? मोनेस्कस परक्यूरियस। क्या नाम है इसका बेटा? मोनेस्कस परक्यूरियस, समझो। कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगी HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, समझना। अब आइए जरा, अगर कहीं दिक्कत हुई होगी तो वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा, समझिए। देखिए, हमने कहा, देखिए आपने फंगस का यूज किया, एस्परजिलस नाइजर, सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम बुटायरिकम, बुटायरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड। उसके बाद आप देखिए, सैक्रोमाइसिस सेरेनिसिस, जिसको बीवर्स ईस्ट बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेनिसिस यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज करते हैं। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, जैसे ये देखिए, लाइपेज आर यूज इन डिटर्जेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फ्रॉम द फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन। अगर स्टेन देगा तो लाइपेज और प्रोटीएज दोनों लगाओगे, ए सुन लो मेरी बात, अगर देगा स्टेन तो लाइपेज और प्रोटीएज दोनों होगा, लेकिन अगर ऑयली स्टेन देगा तो केवल लाइपेज लगाओगे।
वो लिख के भेजो, ऐसे लिखो कमेंट सेक्शन में, लिखोगे स्टेन प्रोटीएज एंड लाइपेज, ऑयली स्टेन ओनली लाइपेज, लिखिए जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। कंप्लीट आंसर ऋत्विक का आया है, उसका सवा प्रवीण, ऑयली स्टेन ओनली लाइपेज। अनुज स्टेन के लिए लाइपेज प्रोटीएज, ऑयली स्टेन के लिए ओनली लाइपेज, वेरी गुड। कृष्णा मुस्कान, कह रहा यू मस्ट हैव नोटिस, तुमने ध्यान दिया होगा कि जो भी बॉटल फ्रूट जूस बाजार से ले आते हो फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कंपेयर टू मेड एट होम, यानी घर पे जो जूस बनता है उसे फाइबर होता है, जबकि बॉटल्ड जूस होते हैं उसके फाइबर को क्लैरिफाई करते हैं बाय द यूज ऑफ पेक्टिनेज, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस, मतलब पेक्टिनेजेस की प्रोटीएसेस की दोनों दोनों, और जो मायोकार्डियल इंफेक्शन में यूज करते हैं हार्ट अटैक जिससे होता है उसको ठीक करने के लिए क्लॉट बस्टर के रूप में किसको यूज, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस एंड इज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड यूज एट क्लॉट बस्टर। जब स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्लॉट बस्टर बनाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, टीपीए टिश्यू प्लास्मिडोजन एक्टिवेटर फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ द पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इंफेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। स्ट्रेप्टोकाइनेज कहां से निकालते हैं, बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस। जब स्ट्रेप्टोकाइनेज को मॉडिफाई करेंगे तो उसी को क्लॉट बस्टर कहेंगे। दूसरा नाम क्या है, टीपीए टिश्यू प्लास्मिडोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लास्मिडोजन एक्टिवेटर, इस बात पे गौर फरमाएं, टिश्यू प्लास्मिडोजन एक्टिवेटर। चलिए अगला है अनदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। ये देखिए अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। उसके बाद आपको बताया था ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, उसको स्टेटिन बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटिन प्रोड्यूस बाय द ईस्ट मोनास्कस परक्यूरियस। Monascus purpureus have been commercialized as the blood cholesterol lowering agent. इसी को blood cholesterol lowering agent बोलते हैं। It act by competitive inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol. Competitive inhibition है। Enzyme का नाम क्या भैया? HMG coenzyme A reductase। जरा सब लोग comment section में इसका पूरा नाम type करिए। सब लोग comment section में पूरा नाम type करिए। कृष्णा राजपूत खाना बनाना है, क्या बात है। अरे बीटा हाइड्रोक्सी लिखने में दिक्कत होगी, चलो कोई बात नहीं। चलिए तो थैंक यू वेरी मच, जाइए खाना बनाइए और अगली क्लास कल होगी और कल मैं टाइम अपडेट कर दूंगा माइक्रोब्स का, क्या बचा है जरा देख लो बच्चों, माइक्रोब्स इन सीवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी समझ में नहीं आता है लोगों को, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट ये पढ़ाना है आपको हमें, ये वाला टॉपिक थोड़ा छोटा कर दें यार। एंटीबायोटिक हो गया 183,
हो चुका है, हम लोगों को माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट करना है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। चलो सब लोगों ने लिखा है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा में चाहिए, ठीक है ठीक है। चलो हम जरा बता दें कि कल क्या करेंगे हम लोग, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। यहां तो एक क्वेश्चन 100% आएगा, समझ लो। ये वाला जो पोर्शन होता है वो दिक्कत काज करता है, इसको समझाएंगे कल। उसके बाद आपका ये गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान और माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस का प्रोडक्शन बताएंगे। उसके बाद ये आ जाएगा माइक्रोब्स, ये क्वेश्चन यहां से भी आना है भाई साहब। ये ऐसा चैप्टर है जिससे 3 से 4 सवाल आ सकते हैं। सर 11 बजे रात में है, आज रात में 11 बजे। चलो देखते हैं, और उम्मीद का मैं कल पढ़ा जाएगा, कल कल पढ़ा देंगे। संडे को ऑफलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट में सारे लोग देखो, ऑनलाइन टेस्ट हो चुका है, जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स में हैं चलो उनका तो अलग ही चल रहा है, पर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन कोर्स में देना चाहते हैं वो हर बच्चा हमसे जो भी सब्जेक्ट तैयार होगा वो बोलेगा कि सर मेरा ये तैयार हो गया उसका टेस्ट ले लो, तो उसको मैं टेस्ट असाइन दूंगा, ठीक है। चलिए एक बार रात में 11 बजे के आसपास, 11:30 के आसपास, 11 या तो सो जाना यार, 11 बजे रात को क्या जगोगे तुम लोग। एक बार 11 बजे मोबाइल देख लेना, तो रहन दो आज 11 बजे नहीं, अनुज को दिक्कत होती है भैया। रात को 11 बजे नहीं, कल दिन देखो पढ़ाऊंगा कल शाम को, लेकिन कल दिन में मैं लाइव जरूर आऊंगा, तो कल दिन में 11 बजे के आसपास लाइव आऊंगा। सर अब की ही क्या है कृष्णा, सर अब कल ही पढ़ाना, ठीक है बेटा कल ही पढ़ाएंगे। ओके गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल। ओके बच्चों।